सबसे पहले सर आपको जोहार। बहुत और प्रातः दर्पण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। सर मेरा ये कहना है कि जब आप डीजीपी के पद पर आए तो आपका अनुभव कैसा था? नहीं, अनुभव तो पुलिसिंग के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो तो हम लोग पुलिसिंग के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में काम शुरू से कर ही रहे हैं 3-10 दशक से ज्यादा से। तो पुलिस में डीजीपी का पद जो है ग्रहण करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। बाकी तो पुलिस का काम है, हम लोग लगातार करते ही रहते हैं। सर ऐसा भी आपके बारे में कहा गया कि जो अजय कुमार सिंह डीजीपी साहब हैं वो बड़े ही थोड़ा कड़क स्वभाव के हैं, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा नहीं लगा देखने से या आपसे बात करने में। तो ऐसा इस तरह की बातें आती है तो क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो आपका आकलन है किसने आपको कहा या क्या चीज है, लेकिन वो तो मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जैसे डील करना होता है उसी हिसाब से, मतलब किसी को भी अपना स्वभाव उसी तरह से रखना होता है या बदलना होता है। जी। तो झारखंड के जब आप पद संभाले डीजीपी का तो झारखंड के बहुत से लोगों को काफी आस बनी कि कानून व्यवस्था अब सुधरेगा। नक्सलवाद झारखंड में लगातार प्रभावित होता रहा और आपने एक रिव्यू में कहे हुए थे कि अब जीरो टॉलरेंस पर आ चुका है नक्सलवाद का, इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिसिंग के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इसके स्वरूप हैं, तो उसमें नक्सलवाद भी एक है। और अभी तक हम लोग सभी क्षेत्रों में काम करने की, चाहे वो अपराध निरोध हो, चाहे विधि व्यवस्था संधारण हो, उसमें बेहतरी हो या नक्सलवाद हो, सभी पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो पूरा विभाग है वो उस पर काम कर रहा है एज ए टीम वर्क, और अभी तक तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है और आगे भी और अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। जी सर, अभी हाल में कहते लोगों ने कई नक्सल ने कमांडेंट ने अपने आत्मसमर्पण भी किया है और बहुत जगह पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। ये आपके आने से हमें लगता है कि बहुत सा सुधार हुआ है। और हमारा ये भी कहना है कि सर आपने ये भी कहा था कि हमारा सबसे प्राथमिकता ये होगी कि पुलिस, आम आदमी अभी भी पुलिस से मिलने में हिचकिचाते हैं, वो डरते हैं। नहीं, वो तो अब मतलब ये है कि वैसे जितने भी हमारे जो कटिंग एज है थाने लेवल पर हो या जो हमारे फील्ड फॉर्मेशन है, उन सबको लगातार हम लोग ब्रीफिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि अल्टीमेटली तो कोई भी विभाग हो, कोई भी संस्था हो, वो नागरिकों के लिए ही बनती है और नागरिकों के साथ जो है वो बहुत ही अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उनकी समस्याएं सुनकर के उसको यथासंभव जो है उसको दूर करने का, उसको निवारण करने का प्रयास होना चाहिए। आपने ये भी कहा था सर कि हमारा एक यह कोशिश रहेगी कि हम पुलिस लाइन को ऐसा हम बनाएं ताकि एक मित्रता होनी चाहिए, आम आदमी और पुलिस में मित्रता होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सर कि पुलिस कुछ लोग ऐसे अधिकारी होते हैं जो लोगों आम लोग से ऐसा बात करते हैं कि वह लोग चाहकर भी थाना में नहीं आ पाते हैं और वह सीधे कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। नहीं, वही हम लोगों का प्रयास है, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सभी लोग को मतलब ये समझाया गया है जो लगातार मीटिंग है। नमस्कार दर्शकों, मुझे बहुत खेद हो रही है कि आज जो 7 बजे झारखंड के पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह के साथ खास प्रोग्राम में झारखंड के इतिहास में पहली बार झारखंड के डीजीपी हमारे प्रातः दर्पण नेशनल न्यूज़ चैनल में सीधे तौर पर जुड़े थे, जिनका मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते आज पूरा इंटरव्यू नहीं हो पाया, इसको हम लगातार कल 2 बजे करेंगे। धन्यवाद।